मुंबई पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा निकाय चुनाव जीतना है पार्टी का पहला लक्ष्य। मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर राहुल का निशाना, बोले पार्टी दफ्तर में रखूंगा गुड़ तिल के लड्डू, लड़ाई करने वाले नेताओं को खिलाऊंगा। राहुल ने मोदी सरकार पर भी साधा निशाना, कहा पैकेजिंग है बहुत अच्छी लेकिन योजनाओं का जनता से नहीं है कोई सरोकार। मोहम्मद रफी के बेटे शहीद रफी कांग्रेस में हुए शामिल, राहुल गांधी की रैली के दौरान ग्रहण की सदस्यता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन अली असगर की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने से जुड़ी शिकायत में आरोपी हैं अली असगर। केकू शारदा की गिरफ्तारी पर बोले बाबा रामदेव, कहा संयम के साथ मिमिक्री करें कॉमेडियन, साथ ही बड़े लोगों को भी रखना चाहिए बड़ा दिल। कोल्हापुर में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का बीजेपी को जवाब, कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद देंगे न्योता, 13 से 18 फरवरी तक मुंबई में मनाया जाएगा मेक इन इंडिया वीक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्धव को नहीं बुलाए जाने की चर्चा, पहले भी अंबेडकर स्मारक भूमि पूजन में बीजेपी ने उद्धव को नहीं भेजा था न्योता। केरल में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शिवसेना ने किया विरोध, कोलकाता के बाद सरकार के न्योते पर गुलाम अली पहुंचे हैं तिरुवनंतपुरम। कार्यक्रम स्थल के पास नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा, पुलिस ने बमुश्किल शिव सैनिकों को किया काबू। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, बोले महालक्ष्मी रेस कोर्स में नहीं बनना चाहिए बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी गूगल की पहली वाईफाई सेवा, 22 जनवरी को होगी लॉन्चिंग। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी ऑड इवन लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी से मांगा जवाब। मुंबई में एक परिवार को 3 सालों से गायब बेटे के जिंदा होने की मिली खबर, पाकिस्तान की जेल में बंद है नौजवान। पुणे में कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर जिंदा जलाया, 70% झुलसा युवक, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भयंकर हादसा, ट्रक से टकराई सैंट्रो कार, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बुलढाणा में 1,95,000 के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी के तार दिल्ली के गिरोह से जुड़े होने की आशंका। मुंबई के मलाड इलाके में नरबलि देने की साजिश का खुलासा, पैसे के लिए मौलवी के बहकावे में आया था आरोपी शख्स। नवी मुंबई में अवैध निर्माणों को नियमित करने की सरकारी नीति के खिलाफ हाईकोर्ट, सरकार को दिया आदेश, सरकारी जमीन कब्जाने वाले बिल्डरों के खिलाफ ले एक्शन। हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा इस फैसले से क्या सिग्नल देना चाहती है सरकार, सड़कों और एमआईडीसी की जमीन अवैध कब्जे को किस कानून के तहत किया जाएगा वैध। लगातार दूसरे दिन भी रुपए में गिरावट, 30 पैसा गिरकर $1 के मुकाबले 67.59 रुपए हुआ रुपया। सोने में भी गिरावट जारी, 115 रुपए गिरकर 25,860 रुपए तोला हुआ सोने का दाम। पणजी में शुरू हुआ 10 दिनों का लोकोत्सव, देश भर से पहुंचे कलाकार। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई में एक मां 3 साल से तड़प रही है, उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही थी, जिगर का टुकड़ा अचानक ही गायब हो गया था और अब जब खबर मिली है तब वो और दर्द में है। अब मालूम हुआ है कि उस मां का बेटा पाकिस्तान की जेल में बंद है। देखिए खास रिपोर्ट। अपने जिगर के टुकड़े के इंतजार में आंखें थक गईं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है।
माँ का कलेजा कांप रहा है, मगर दिल में ये सुकून है कि बेटा सलामत है। सलाखों के पीछे ही सही, लेकिन हामिद जिंदा तो है। ये तस्वीर 27 साल के हामिद अंसारी की है। मुंबई के वर्सोवा में रहने वाला हामिद पाकिस्तान के पख्तून प्रांत की कुहाट जेल में है। परिवार वालों के मुताबिक पाकिस्तान के एक अखबार में छपी खबर को इंटरनेट पर पढ़ने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि हामिद को पाक आर्मी ने गिरफ्तार किया था। अदालत का बयान है, अदालत में गवर्नमेंट ने बयान दिया है, तो ये पूरी तरह से एक उस पर विश्वास किया जा सकता है। और ये विश्वास से दिल को तसल्ली हुई कि 3.5 साल से जो हम अनिश्चितता में थे कि पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं है, तो कम से कम इतना विश्वास हुआ कि वो उनकी कस्टडी में है, सेफ है, तो ये एक संतोषजनक खबर थी। हामिद के परिवार का कहना है कि पख्तून प्रांत की एक लड़की से फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। लड़की पर कबीले के लोग जुल्म कर रहे थे, जबरन उसकी शादी करवाना चाहते थे। इसी वजह से परेशान हामिद उसकी मदद करने के लिए बिना वीजा के नवंबर 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान चला गया। वहां कुछ दिनों तक होटल में रहने के बाद इंटेलिजेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों ने बताया कि अगर आपको तुरंत वीजा नहीं मिल रहा, अगर आप नहीं आ सकते हो अभी, तो फिर बहुत देर हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ जो अत्याचार होना है वो अत्याचार हो जाएगा। तो इस संदर्भ में उन्हीं दोस्तों ने बताया, सलाह दी कि आप दूसरे तरीके से, यानी आप काबुल के तरीके से आ सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पहले इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर था कि लोग आसानी से आ जा सकते थे गाड़ी से, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आपको अपनी गाड़ी में लेकर के चलेंगे और आप फिर जिरगा लीडर से मिलना है, जिससे भी मिलना है, हम मुलाकात करेंगे। परिवार को उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार हामिद को जल्द रिहा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये अलवत्ता जरूर है कि हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तक पहुँचे और 2 दफ़ा सुषमा स्वराज जी से हमारी मुलाकात भी हुई और उन्होंने हमको यकीन भी दिलाया कि हम वो हमारी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, और हम ज़रूर इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनका जो डायनामिज्म है, जो काम करने का तरीका है, उससे हमको ये पूरी उम्मीद है कि शायद ये काम वो ज़रूर कर देंगे और हम, ये हमको जो है सफलता मिलेगी। हामिद की तलाश करने में मदद करने वाले कांग्रेस नेता कृष्णा हेगड़े का कहना है कि पाकिस्तानी अखबारों के जरिए पता चला है कि हामिद सही सलामत है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेशावर हाई कोर्ट ने हामिद के बारे में सारी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट ऑफ पेशावर को निर्देश दिया कि हामिद अंसारी को ट्रेस किया जाए और हामिद अंसारी का जो स्टेटस है वो बताया जाए। बहुत सारे हियरिंग के बाद जब कुछ हुआ नहीं, उसके बाद एक ऐसा न्यूज़ आया कि हमजा नाम का एक युवक कुहाट के जो जेल में कैद है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि वो ही हामिद अंसारी है। लेकिन फवाद अली करके एक जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा है कि जो हमजा है वो ही हामिद अंसारी है। हामिद को लेकर अब तक उनके परिवार के पास कोई खबर नहीं थी, मगर जब से ये मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तान में है, तब से उसके परिवार में नई उम्मीद जगी है कि उनका बेटा सही सलामत उनके पास लौट आएगा। एजाज खान, मुंबई आज तक। मुंबई में इस वक्त लगा है सितारों का जलसा, फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है और रेड कारपेट पर सिर्फ और सिर्फ जगमगाहट नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों में अपने बेहतरीन से बेहतरीन परिधानों में पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे। बच्चन परिवार साथ में वहां पहुंचा, जया बच्चन वहां पहुंची, उनकी बेटी भी उनके साथ थी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण वहां पहुंची। कई अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और कई ऐसे अवार्ड जिनकी घोषणा होनी अभी बाकी है। दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी कई अवार्ड जीत रही है। श्रेया घोषाल को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा है बाजीराव मस्तानी के गाने दीवानी मस्तानी के लिए। इसके अलावा बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी को ही गया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड अंजुम को मिला है बाजीराव मस्तानी के लिए। रणवीर सिंह भी नजर आए रेड कार्पेट पर और हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं रणवीर सिंह, तो इस बार कुछ जीब्रा प्रिंट में वो नजर आए थे। रेखा पहुंची अपने चिर परिचित अंदाज में कांजीवरम साड़ी पहने हुए। इसके अलावा भी कई सितारे जो पहुंचे फिल्म फेयर अवार्ड पे। एली, एली।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दो दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे। मुंबई कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह राहुल के भाषण के केंद्र में रही। इस कलह को खत्म करने के लिए कहीं राहुल ने कांग्रेसियों को सीख दी तो कहीं चेतावनी। राहुल ने कहा कि अब 2017 के बीएमसी चुनाव पर कांग्रेस को फोकस करना चाहिए। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। दो दिन के मुंबई दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मराठी में बात करके स्थानीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। साथ ही मराठी में बोली सिर्फ एक लाइन से। अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी राहुल ने सीधा संदेश दे दिया। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। ये बहुत अच्छी कहावत है, इसको मैं अपने साथ मुंबई से वापस ले जाऊंगा और जहां भी मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे, थोड़ी लड़ाई होती रहती है, उनको मैं ये कहूंगा। और अपने ऑफिस में तिल के लड्डू भी रखूंगा थोड़े। राहुल गांधी के दौरे को लेकर इस हफ्ते कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। राहुल दो दिन के दौरे में किन जगहों पर जाएंगे, इसे लेकर मंगलवार को पूर्व मंत्री नसीम खान और कांग्रेस विधायक असलम शेख में कांग्रेस दफ्तर के भीतर चल रही मीटिंग में हाथापाई तक हो गई थी और दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए थे। पर शुक्रवार को भी राहुल के दौरे के दौरान स्थानीय नेताओं के रुख में ज्यादा बदलाव नहीं था। शाम को मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में पूर्व कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा के नाम पर एक हॉल का उद्घाटन था। यहां करीब करीब हर नेता ने स्टेज पर पहुंचकर दूसरे नेताओं के लिए कुछ न कुछ चुभने वाली बातें जरूर कही। मुंबई इतना लोकांसाठी माझं म्हणणं आहे की तिळगुळ घ्या आणि गोडगोड बोला आणि तो संदेश घेऊनच आम्ही आज या ठिकाणी जाणार आहोत। राहुल गांधी ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की एक वजह पार्टी के अंदर लोकतंत्र का होना भी बताया और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। कामत जी ने कहा कि मुरली भाई के साथ उनकी रिलेशनशिप था, रिश्ता था, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी और राजनीति में ये नॉर्मल है। कांग्रेस पार्टी में शायद आरएसएस में मार के डरा देते हैं, चुप कर देते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। हालांकि नेताओं कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर लड़ाई एक सीमा के बाहर गई तो अनुशासन लाना उनका फर्ज है। राहुल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे जिनसे उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव जीतना पार्टी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। शनिवार को राहुल एक मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों से मिलेंगे और बांद्रा से धारावी तक बिजली के मुद्दे पर पदयात्रा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जमकर सामने आई और राहुल गांधी के मुंबई दौरे पर भी इसी अंतर कलह की परछाई रही और इसलिए खुद राहुल गांधी को इस मसले में दखल अंदाजी करनी पड़ी। मुंबई से कमलेश सुतार, मयूरेश गणपते, मुनीश पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।